नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं MBBS डायरेक्ट। तो हम अभी पहुंच चुके हैं नंदी जान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में और अभी हम थोड़ी ही देर में यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं नंदी जान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये है पूरी यूनिवर्सिटी की व्यू। ये आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये वाली, जहाँ पे अभी आपको कैमरा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके राइट साइड में जो है ये है क्लिनिक। जो बच्चे यहाँ पर अपनी मेडिकल एजुकेशन लेते हैं और इंटर्नशिप वगैरह होती है तो वो अपनी इंटर्नशिप की प्रोसेस इस हॉस्पिटल में करते हैं। इसके अलावा रोड के उस साइड भी आपको अंदी जान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती है क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए। तो आप आइए अंदर। आप देख सकते हैं अंदी जान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज्ड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान से। तो आप अगर अंदी जान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द क्लासिकल यूनिवर्सिटी है आपको उज़्बेकिस्तान की, अगर यहाँ से आप MBBS करते हैं तो ये सिर्फ न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान से ये वैलिड होगी। इसके अलावा आप US यूरोपियन कंट्रीज में भी इसकी एजुकेशन और वैलिडिटी पा सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रेमाइस में एंटर कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं ये पूरी की पूरी आपकी कैंपस की व्यू है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अंदी जान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो कैंपस है वो स्प्रॉलिंग कैंपस 200 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें कि आपको हॉस्पिटल्स भी है, ट्रेनिंग बेस भी है और क्लिनिक बेस भी है। आप ये भी देख सकते हैं मेडिकल एकेडमी के अंदर में आपको वॉलीबॉल कैंप, इसके अलावा कबड्डी कैंप, इसके अलावा ऑडिटोरियम, साइकिलिंग, सारी सुविधाएं आपको मौजूद हैं। आप ये सारा व्यू देख सकते हैं। आइए। ओह हेलो, वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। थैंक यू। आप देख सकते हैं ये मेन प्रीमाइस बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की और ये चार फ्लोर में बनी हुई है, जहाँ पे कि वेरियस डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जहाँ पे कि आप हर एक डिपार्टमेंट्स की एजुकेशन चलती है, चाहे वो एनाटॉमी हो, यूरोलॉजी हो, पेडेट्रिक्स हो, ऑप्स गायनो हो या इसके अलावा वेरियस चीज़ें जो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेंटिस्ट्री की भी पढ़ाई होती है और इस और यहाँ पर ऑर्थोपेडिक भी होती है, ऑर्थोपेडिक की भी पढ़ाई होती है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल, और यहाँ पर जब आप ऊपर जाएंगे तो हम लोग वेरियस डिपार्टमेंट को भी विजिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं लेक्चर रूम की ओवरव्यू, आप देखिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर्स भी लगी हुई है, जिससे कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, जिसे स्मार्ट एजुकेशन किया जाता है, कहा जाता है। तो डॉक्टर्स यहाँ पे इस PDF फाइल को रखते हैं जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और ये आपको यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई जाती है और उस स्क्रीन पे आपको सारी एजुकेशन मिलती है ऑनलाइन। इस प्रेमाइस में आपको 200 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, इनकी एजुकेशन की क्वालिटी कैसी होगी और इसके अलावा जो सुविधाएं यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है वो बिल्कुल बेहतरीन है। पूरे उज़्बेकिस्तान में ये सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट मानी जाती है मेडिकल एजुकेशन के लिए। ये ऊपर में आपको ऊपर के प्रेमाइस में आपकी एजुकेशन चलती है, तो एजुकेशन में जैसे ही आपको ब्रेक मिलती है तो आप इस कैफेटेरिया में आके खाना भी खा सकते हैं। तो आप आइए एक बार देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वेरियस स्टूडेंट्स वगैरह एजुकेशन करने के बाद यहाँ पे अपनी फूडिंग ले रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं ये लोग। तो ये भी एक अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की कि अगर आपकी क्लासेस 6 से 8 घंटे की है और बीच में आपको गैप मिलता है, आपको समय नहीं मिल पाता है कि आप अपने मेज पे जा पाएँ, इट्स बेटर कि आप इस कैंटीन में आके खा सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ कैंटीन में सारी फूड्स मिलती हैं जो कि एक इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए। आप देख सकते हैं।